अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वाशिंग मशीन की मोटर है, तो हमने इसकी रिवाइंडिंग की है, ये देख सकते हैं। तो अब इसकी फिटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका एक तरफ से इसका रूटर की फिटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं। तो गाइज, एक तरफ से हम रूटर की फिटिंग ये देख सकते हैं, हमने कर ली है। तो अब हम इसके सुराख सीधे करके इसके अच्छी तरह सिलाइयाँ डालेंगे। सिलाइयों से पहले हम इसका दूसरा टप्पा लगाएंगे, ये देख सकते हैं। एक तरफ से हमने सिलाइयों के निशान जो है सीधे कर लिए हैं, और अब इसको थोड़ी से हम नीचे उठा देंगे अच्छी तरह। तो गाइज, ये देख सकते हैं, हमारा दूसरा टप्पा भी अच्छी तरह बैठ चुका है। तो हमने सिलाइयों के निशान जो सीधे कर लिए हैं, और ये देख सकते हैं, अब हमारी सिलाइयाँ भी बाहर हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। तो अब इन नटों के इसके आगे हम नटों की कसाई अच्छी तरह कर देंगे। तो गाइस, अब हम इन नटों की अच्छी तरह कसाई कर देंगे, ये देख सकते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं, हमारी वाशिंग मशीन की मोटर अच्छी तरह फिटिंग हो चुकी है। तो अब इसको कैपेसिटर लगा के इसकी टेस्टिंग करेंगे, ये देख सकते हैं, 10 UF का कैपेसिटर है। तो गाइस, ये देख सकते हैं, हमने कैपेसिटर इसका ज्वाइंट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, दो ब्लू तार है जो वो दोनों कैपेसिटर की हैं, और काली जो है वो हमारी मेन है। तो ये देख सकते हैं, हम सीरीज पे चेक करेंगे, ये देख सकते हैं, ये शार्ट भी नहीं है। तो अब हम इसको डायरेक्ट चेक करेंगे, ये देख सकते हैं पहली साइड, भाई ये देख सकते हैं पहली साइड है, तो ये दूसरी साइड है। तो भाई ये देख सकते हैं, इसके अंपेयर भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक अंपेयर है, ये देख सकते हैं, आधा अंपेयर है। तो बाकी गाइज, हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।